नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के दूसरे दिन की कथा अध्याय 2 में। भगवान कृष्ण प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। यदि उनका कोई भक्त उन्हें अगाध प्रेम करता है तो वे उसकी ओर खींचे चले आते हैं। धन दौलत वैभव की उनके भक्तों को कोई कमी नहीं रहती। यदि आप भगवान कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो निम्न मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप कीजिए और बड़े प्रेम से पुकारते हुए जप कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे खुशहाल हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में व्रत जप और तप करने का कई गुना पुण्य मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत जप और तप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि कार्तिक मास सब मासों में सबसे पवित्र और भगवान का अति प्रिय मास है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद को और नारद ने भगवान प्रभु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म के संदर्भ में बताया था। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सत्यभामा को इसका महात्म बताया है। इसलिए इस मास में कार्तिक महात्म सुनने का बड़ा पुण्य होता है। अतः इसका एक अध्याय रोज हमें अवश्य ही सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे दिन की कथा अध्याय 2 में। श्री कृष्ण का सत्यभामा को पूर्व जन्म की कथा का वर्णन करना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो अत्यंत दुखित हुई और रुदन करते हुए विलाप करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूँगी? अब मेरे भोजन और वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? कौन मेरा पालन पोषण करेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है और कामकाज करने में भी मैं बहुत अधिक चतुर नहीं हूँ। तुम्हारे बिना मैं असहाय हूँ, मैं अकेली रह गई हूँ। अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है। मैं बड़ी पापिनी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ? अब मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई गुणवती पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत देर के बाद होश में आई, तदुपरांत फिर विलाप करने लगी और शोक रूपी समुद्र में डूब गई। तत्पश्चात उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि सावधानी से अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी मायापुरी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शुद्ध मन से शांति पूर्वक रहने लगी और आजीवन तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि का यथावत पालन करती रही। ये श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होता है, पुत्र और संपत्ति को देने वाले हैं ये दोनों व्रत। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर जो मनुष्य प्रातः काल उठकर नित्य स्नान करते हैं वे कैसे भी महापापी क्यों न हो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान ने कार्तिक मास में प्रातः स्नान को बहुत अधिक महत्व दिया है और बहुत अधिक पुण्य फलदायक बताया है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान जागरण दीपदान तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं वे विष्णु के समान स्वरूप वाले होते हैं। जो मनुष्य
विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना और सातियां काढ़ना और भगवान विष्णु की पूजा आदि का कार्य नियम पूर्वक करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सुख पाते हुए जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में प्रातः स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी की पूजा के साथ साथ यहाँ भगवान के मंदिर की साफ सफाई और पुताई को भी बहुत अधिक महत्व दिया है। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो मनुष्य कार्तिक मास में 3 दिन भी ये नियम पालन कर लेते हैं, वे देवताओं की तरह पूज्य हो जाते हैं, और जो जन्म भर प्रत्येक वर्ष करते रहते हैं उनका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का नित्य नियम पूजन आदि करती रही। एक समय वह वृद्धावस्था के कारण रोग से दुर्बल हो गई और ज्वर से पीड़ित होने पर भी धीरे धीरे चलकर गंगा स्नान करने के लिए गई। ज्यों ही वह पानी में उतरी, जाड़े के मारे थर थर कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से अपनी तरफ आता हुआ एक विमान देखा। उस विमान में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु स्वरूप चतुर्भुजधारी पार्षद विद्यमान थे। वे गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त उस दिव्य विमान में गुणवती को बैठाकर चवर ढोरते हुए वैकुंठ को ले गए। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रदीप्त अग्नि के समान सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास वैकुंठ धाम में आ गई। बहुत समय तक जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी लोक पर आया, तब मेरे वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में तत्राजित यादव होकर आए हैं, तथा तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर जी हैं। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो तुमने दीप दान किए थे, उसी पुण्य के फल से तुम्हारी देह देदीप्यमान है और घर में लक्ष्मी जी का निवास है। उस जन्म में तुमने जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो, और तुमने जन्म से मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए थे, उन्हीं के पुण्य प्रभाव के कारण हमारा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इसी कारण कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाले लोग तुम्हारे समान ही हमारे प्रिय होंगे और सदा मेरे पास रहेंगे। अनेकों प्रकार के यज्ञ, दान, तप करने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई और माधव श्री कृष्ण को नमस्कार करके बोली, इति श्री कार्तिक मास महात्म द्वितीय अध्याय समाप्त।